हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से लोधी गार्डन में। आज हम मोहम्मद शाह के मकबरे को एक्सप्लोर और इतिहास के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये मोहम्मद शाह का मकबरा लोधी गार्डन के साउथ वेस्ट में है, जो बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, इस टॉम के अंदर मोहम्मद शाह के मकबरे के साथ उनके परिवार के कब्रें भी हैं, जो अंदर से सैयद वंश के इतिहास को बयां करती है। इस परिसर का पहला इमारत सैयद वंश का तीसरा शासक मोहम्मद शाह का मकबरा है, जिसे उसके बेटे अलाउद्दीन ने 1444 में बनवाया था। और इस मकबरे को 8 छोटे छोटे गुम्बददार डिजाइन में बनाई गई है, जो अष्टकोणीय आकार की दिखाई देती है। दोस्तों, ये मोहम्मद शाह का मकबरा लोधी गार्डन के साउथ वेस्ट में है, जो बहुत खूबसूरत है। दोस्तों, इस टॉम के अंदर मोहम्मद शाह के मकबरे के साथ उनके परिवार के कब्रें भी हैं, जो अंदर से सैयद वंश के इतिहास को बयां करती है। दोस्तों, आप थोड़ा सा इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहले तुगलक वंश का शासन था, फिर सैयद वंश का शासन शुरू हुआ। सैयद वंश का तीसरा शासक मोहम्मद शाह था, जिसका शासन काल 1434 से 1444 के बीच रहा। और सैयद वंश का अंतिम सुल्तान सलाउद्दीन आलम शाह था, जिसने 1491 में दिल्ली का राज सिंहासन महलुल लोधी को दे दिया था और दिल्ली को छोड़कर अपने प्रिय स्थान बदायूं चला गया। फिर लोधी वंश का शासन शुरू हुआ। इस कॉम्प्लेक्स में मोहम्मद शाह का मकबरा, बड़ा गुम्बद, शीश गुम्बद, आखिरी में लोधी का मकबरा है, जिस पर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, अंग्रेजों के भारत आने तक ये गार्डन मूल रूप से गांव था, जिसके आसपास सैयद और लोधी वंश का स्मारक था, जिसे ब्रिटिश राज के समय इस बगीचे को अंग्रेजों द्वारा 1936 में सभी इमारतों को एक गार्डन कर दिया गया। और इस लोधी गार्डन में इतिहास के विभिन्न काल की संरचनाओं को देखने को मिलती है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, जिससे आगे और वीडियो बनाने में हमें मोटिवेशन मिले। बाय बाय गाइस।